देखो हम बात कर रहे थे गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विभव, तो गोलीय कोष के कारण में बाहर निकाला तो किसी बिंदु पर पृष्ठ पर लिया और कर लिया अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें ग्राफ खींच लेता हूँ, जो गोलीय है मैं ग्राफ खींचता हूँ गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विभव का दूरी के साथ परिवर्तन आए जो विभव हमारे पास प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसका गोलीय कोष के कारण जो विभव प्राप्त हुआ है वह दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। यदि मैं इसका आरेख खींचूं तो आरेख कैसा प्राप्त होगा, गोलीय कोष के कारण जो विभव का दूरी के साथ परिवर्तन आए, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अंदर कितना प्राप्त हुआ था, वी इन प्राप्त हुआ था साइन एलिमेंट को भी अंदर प्राप्त हुआ था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है, जो क्या है मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम बता चुका हूं, दूरी पे जब निर्भर नहीं करता क्या है मैक्सिमम है। सरफेस पर कितना प्राप्त हुआ था, सरफेस पर प्राप्त हुआ था के क्यू अपॉन जितना अंतर था अपने सरफेस पर था तो उतना ही क्या होगा सरफेस पर, और ये भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, क्यों भी क्योंकि ये भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, समझ में आई बात, ठीक है, ये भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब बाहर देखते हैं, ठीक है, वी आउट कितना प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था के क्यू अपॉन में आर, ठीक है, ये वी आउट दूरी की क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब थी, ये थी आर, ये जो कंडीशन थी ये कब थी, आर लेस देन कैपिटल आर, यहाँ आर बराबर देन कैपिटल आर और यहाँ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखो हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखो ये आपके पास मैंने यहाँ ले लिया विभव वी और यहाँ ली मेरी दूरी आर दूरी, ठीक है, और यहाँ लिया मैंने विभव ले लिया और दूरी, ठीक है, ये चेंज हुआ। हमेशा ध्यान रखना गोलीय कोष के अंदर एक समान विभव होता है, जितना प्रश्न होता केंद्र पर भी केंद्र अपॉन आर होता है, अंदर भी केंद्र अपॉन आर होता है कैपिटल आर, और सरफेस पर कितना होता है केंद्र अपॉन में कैपिटल आर। तो देखो सर्वाधिक है अधिकतम है, तो कहाँ तक है, यहाँ तक मैं ले लिया और ये पोर्शन ले लिया, मैंने यहाँ जो पोर्शन लिया है ये है आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, ठीक है, और ये जो बिंदु है ये यहाँ है, ये तो था आपका, ठीक है, कहाँ तक ली कहाँ, ये है और ये है आपका वी एस सरफेस पर, कहाँ सरफेस पर स्मॉल आर रादर देन कैपिटल आर। उसके बाद क्या है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये आ गया वी आउट दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आर ग्रेटर देन कैपिटल, ये क्या जाएगा इसका आरेख बन के तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फटाफट आप आरेख बनाए साइड में को भी लिख लें, फिर तुरंत आगे चलें। जल्दी बना भैया आ रहे हो ना, जल्दी फटाफट से ही आपने बना लिया होगा, ये आपने बना लिया होगा, देखो जिस प्रकार से गोलीय कोष में मैंने विभव ज्ञात किया था, भार आया था के क्यू अपॉन आर,
सतह पे आया था क्योंकि ओपन कैपिटल, अंदर आया था क्योंकि ओपन में कैपिटल, केंद्र पर भी कितना है क्योंकि ओपन में कैपिटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आवेश मैंने दिया था वो संपूर्ण आवेश कहाँ आ गया? पृष्ठ पर। यदि गोलीय कोष ना होता चालक गोला होता, क्या होता? चालक गोला। तो चालक गोले को दिया गया आवेश भी कहाँ जाता है? उसके पृष्ठ पे आ जाता है। तो विभव की गणना कैसे करेंगे? विभव की गणना गोलीय कोष की तरह ही कर लेंगे, जैसे गोलीय कोष की तरह की है वैसे ही कर लेंगे। तो देखो एक गोल डाल देंगे, गोल डाल देंगे हम, अगर किसी ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, इसलिए विभव की गणना गोलीय कोष की तरह करेंगे, गोलीय कोष की तरह करेंगे। समझ में बात? ठीक है, तो ये मैंने नोट लिखा दिया आपको। किसी ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, इसलिए विभव की गणना कैसे करेंगे? गोलीय कोष की तरह करेंगे। इसी तरह करेंगे, गोलीय कोष की तरह हम विभव की गणना कर लेंगे। समझ में बात? ठीक है, तो ये आप बता दो फटाफट जल्दी, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आवेश अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। हाँ, अगला टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक आवेश अचालक गोले के कारण विद्युत विभव हम याद करें। ठीक है, तो देखो अचानक गोला की खासियत आप जानते हैं, ये कोई अचानक गोला है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या मान ली मैंने कैपिटल आर, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो आवेश एक समान रूप से कहां फैल जाएगा? इसके आयतन में फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा? इसके बताओ आयतन में एक समान रूप से आवेश है। ठीक है, समझ गए बात? तो देखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेश अचालक गोला है, जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, गोले के अंदर बाहर एवं पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अचालक गोले के अंदर बाहर
कॉमन प्रश्न पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। हाँ भैया, पहले हम बाहर याद करें, तो याद करेंगे बाहर, तो देखो बाहर याद कर लेता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट, जब बिंदु पी अचालक गोले के बाहर स्थित हो, कहाँ हो, बाहर स्थित, ठीक है, यहाँ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सुनो, मैंने स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया बाहर गोले के, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, आप बताए विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, ठीक है, कोई भी आर पास लिया डी आर दिशा में ऐसे, कितनी दूरी पर लिया स्मॉल आर दूरी, कितनी दूरी पर लिया स्मॉल आर, कोई दिक्कत है, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर मैंने कोई बिंदु गोले अचानक गोले के बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, इस पर विद्युत विभव क्या करनी है, करना, तो ये पॉइंट डालो और फटाफट डायग्राम बनाओ, ये पॉइंट डालो और डायग्राम बनाओ। हाँ, बना लिया होगा तुमने, लिखे हुए इसमें अचालक गोले, आवेशित अचालक गोले के बाहर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, आवेशित अचालक गोले के बाहर, आवेशित अचालक गोले के बाहर, आवेशित अचालक गोले के बाहर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो भाई, मैं कहाँ लाऊं आवेश को, कहाँ से कहाँ लाऊं, अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाऊं, कहाँ तक लाऊं, अनंत से स्मॉल r दूरी तक, जिस बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं अनंत से आवेश को उस बिंदु में लाते हैं, उस बिंदु की दूरी कितनी है केंद्र से स्मॉल r, ठीक है, देखो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या कहती है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया v बराबर में माइनस में अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने e वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। अब मैं अंदर में बाहर ले रहा हूं, तो बाहर अचालक गोले के बाहर में तो क्षेत्र की क्या होती है, अचालक गोले के बाहर आर कैपिटल आर, अचानक होने के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अचानक होने के बाहर मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लिखाई है, कितनी लिखाई है, ई वेक्टर बराबर के के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, तो इसका मान मैं मान दूं, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से 1 में मान रख देंगे, समीकरण 2 से 1 में मान
ये ठीक है। तो देखो मान रखेंगे यहाँ तो आ जाएगा v बराबर में माइनस और ये अनंत से स्मॉल r ठीक है, इसका मान था k q ओपन में r स्क्वायर, k q ओपन में r स्क्वायर r के डॉट में dr। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया r कैप डॉट dr वेक्टर क्या होता है, दोनों की दिशा क्या है समान है, इसलिए r कैप डॉट dr वेक्टर क्या होता है dr, क्या होता है dr ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर होता है dr, क्या होता है dr ठीक है, ये आपको पता है। यहां लिख देंगे r कैप dr की दिशा समान है ठीक है, जब दिशा समान है आपने डायग्राम बनानी होगा तो यहां में r कैप डॉट dr वेक्टर लेकर लूंगा dr, लिखूंगा dr ठीक है। तो मैं dr देता हूं यहां v बराबर में माइनस में अनंत से स्मॉल r k q ओपन में r स्क्वायर dr, v बराबर में माइनस k q भाग दिया और यहां अनंत से r वर्ग ओपन में r स्क्वायर dr, वर्ग ओपन r स्क्वायर का उत्तर क्या समाकलन क्या होता है dr, वर्ग ओपन r स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस वर्ग ओपन कितना होता है v बराबर में माइनस के क्यू ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस के बटे आर लिमिट लगाइए अनंत से आर, सेम टू सेम कोशिश कोशिश कर चल रहा है, लिमिट खोलेंगे v बराबर में माइनस के क्यू और यहाँ लिमिट खोली माइनस बना अपॉन आर प्लस में बना अपॉन में अनंत, बना अपॉन अनंत क्या होता है जीरो, तो v आउट बाहर कितना प्राप्त हुआ माइनस माइनस प्लस के क्यू kq अपॉन में स्मॉल r, ये प्राप्त हो गया, इसको समीकरण नंबर दे दिया 3, समीकरण नंबर दिया इसको 3, ये मैंने बाहर प्राप्त किया है, जितना विभव बोले को उसके आता है उतना किसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो ये विभव प्राप्त हुआ है बाहर, कहाँ प्राप्त हुआ है बाहर प्राप्त हुआ, जल्दी इसको ये नोट करेंगे फटाफट। हाँ, अब ज्ञात कर लेते हैं कहाँ सतह पर, कहाँ सतह पर, तो देखो सतह पर ज्ञात करते देखो अचारक गोले
स्थित हो आर। ठीक है, आर बराबर कैपिटल आर। देखो ये मान आता है आपके पास v बराबर में माइनस में अनंत से आएंगे और कैपिटल आर पर ई वेक्टर लगाएंगे तो डी आर वेक्टर, और वहां जो सरफेस पे भार आया है वहां क्या रख देंगे, भार कितना आया भैया के टी ओपन में आ रहा है या कैपिटल आर रख देंगे। तो ये पूरा मान किसके बराबर होगा, ये मान बराबर होगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। यहाँ क्या निकाला हमने सरफेस पर, तो बी एस नाम दे दिया और इसको समीकरण नंबर दे दिया, समीकरण नंबर दे दिया समीकरण नंबर चार, समीकरण नंबर चार। ये कहाँ गया भैया, सरफेस पर, कहाँ गया सरफेस पर। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, समझे बात
आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि विपरण से आवेश को अंदर बिंदु की तरह लाए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई परिवर्तन ना हो, एक समान बनी रहे, तो हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं अनंत से x हुआ। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ भैया बाहर विद्युत क्षेत्र अचानक बोले कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है k/r2 पर, सरफेस पर होती है k/r2 पर, k/r2 अंदर होती है k^r^r^3। मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सरफेस पे अधिकतम और अंदर दूरी के समानुपाती। समझेगा, तो एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है। जब एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है, यहां तक समान है, अनंत से मैं सरफेस तक लाऊं, अनंत से कैपिटल आर तक लाऊं पहले, ठीक है, दो भाग में बांटते हैं घर को, ठीक है, और फिर कहां तक निकाले, सरफेस से कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, अनंत से कैपिटल आर तक लाऊं फिर कहां तक लाऊं, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। समझ में आई बात, ठीक है, तो चित्र बनाओ जल्दी बनाओ इसको और ये पॉइंट डाल जल्दी। अभी डालते इसको अंदर ज्ञात कर लेते हैं, चित्र बनाओ और जल्दी पॉइंट डालो इसको। हाँ देखो, इसमें देखो अचानक बोले कि अंदर स्थित बिंदु के लिए, अचानक गोले के अंदर स्थित बिंदु के लिए अचानक गोले के अंदर स्थित बिंदु के लिए अनंत से स्मॉल आर दूरी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर एक समान रूप से निर्भर नहीं करती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर एक समान रूप से निर्भर नहीं करती। अचानक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अचानक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है, इसलिए समाकलन को दो भागों में विभक्त करते हैं। V बराबर में माइनस, कहां से, अनंत से लेनी कैपिटल आर तक, E वेक्टर डॉट में dr वेक्टर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर लेनी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक हो गया, E वेक्टर, ठीक है, ये अंदर है, E n लिखना, E वेक्टर n डॉट में dr वेक्टर। समझ में आई बात, ठीक है, ये सरफेस पर है, सरफेस पर अनंत से आर तक, सरफेस भैया सतह पर
है, तो v बराबर में इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं समीकरण चार से, यहां v बराबर में k q बटे में कैपिटल r माइनस कैपिटल r से स्मॉल r e इन अंदर वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ये आ गया भाई। अब बात कर लेते हैं अंदर की, अंदर में तो क्षेत्र कितना होता है अचानक गोले के अंदर, अचानक गोले के अंदर आर लेटर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इन वेक्टर बराबर में इन अंदर लिखाया मैंने यहाँ K Q R अपॉन में R Q R के, समझ में नहीं बात, इसका मान मैं यहाँ रखूंगा, इनका मान यहाँ, इनका मान यहाँ रखूंगा, ठीक है। तो डायग्राम को बना लिया होगा, जब मैंने इसका मान यहाँ रखा तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया V बराबर के क्यू अपॉन में आर खत्म यहाँ माइनस अनंत से कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये मान रखा मैंने के क्यू स्मॉल आर अपॉन में आर की घात तीन, ठीक है आर कैप डॉट जी आर वेक्टर, आप जानते हैं आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है डी आर, क्या होता है डी आर। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो वी बराबर में क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर माइनस में, ठीक है यहाँ कैपिटल आर से स्मॉल आर के क्यू स्मॉल आर, ठीक है अपॉन में आर क्यू, और यहाँ आ जाएगा डी आर। ये आप नोट करें फटाफट, जल्दी नोट करें भैया, जल्दी फटाफट नोट करें। नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं भाई। लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर बटे में दो
यहाँ रखेंगे आगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस में, माइनस में क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बटे में दो, ये आ जाएगा। फटाफट नोट कर लो जी, जल्दी नोट करो भाई। देखो आगे जल्दी नोट करो इसको। हाँ तो देखो के क्यू कॉमन लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया बी बराबर में, के क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक बटे में आर, यहाँ बचेगा एक बटे में आर, यहाँ के क्यू कॉमन ले लिया माइनस के, इससे बड़ा होगा टू आर क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा टू आर क्यू आ जाएगा माइनस के आर स्क्वायर बटे में टू आर क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा टू आर क्यू आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस और माइनस आर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और कितना आ जाएगा, ठीक है इससे गुणा करेंगे तो आर क्यू गुणा करेंगे तो टू आर आएगा, क्या आएगा टू आर, तो एक बटे में आ जाएगा टू आर, ये आ जाएगा ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं लघुत्तम लेता हूँ इसका, ठीक है लघुत्तम लू तो देखो क्या आएगा, ऐसे करते टू आर कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो देखो b बराबर में के क्यू बटे में टू आर ले लिया मैंने कॉमन, टू आर यहाँ कितना बचा, यहाँ भैया आर कॉमन आ रहा है टू लिया दो का भाग लगेगा दो फंस जाएगा ऊपर, तो दो आ गए यहाँ, ठीक है दो का भाग लेंगे, यहाँ टू आर कॉमन आ रहा है यहाँ कितना बचेगा, यहाँ माइनस के आर स्क्वायर बटे में क्या बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ टू आर कॉमन आ रहा है यहाँ कितना बचेगा प्लस का एक बचेगा, ठीक है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो b बराबर में k q अपॉन में 2r, k q अपॉन में 2r, यहां कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3, यहां हो गया 3 माइनस में r स्क्वायर बटे में r स्क्वायर, ये आ जाएगा ठीक है। यहां तक नोट कर लिया, यहां तक फटाफट नोट करो। इसका लघुत्तम लिया तो आ गया कितना आ गया v बराबर में k q अपॉन में 2r, इसका लघुत्तम लिया तो आ गया थ्री आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, ठीक है यही आएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो v काट काले मेरे अंदर v इन बराबर में k q और देखो यहाँ थ्री आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर है टू आर का करेंगे तो टू आर क्यू, ये आ जाएगा ये विभव, ये विभव आ जाएगा। समीकरण नंबर जो है पांच डाल देंगे, समीकरण नंबर पांच ये विभव आ जाएगा, ये आ जाएगा अंतर विभव। समझने की बात, ये अंतर क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा। हाँ उतार लिया हो तुमने, यदि बिंदु अब केंद्र निकालेंगे, यदि बिंदु P अब केंद्र निकालेंगे, यदि
अचानक गोले के केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो तो यह केंद्र आ रहा हो जाएगा जीरो। जब यहाँ रखेंगे आ रहा हो जीरो जीरो, आर स्क्वायर से कट जाएगा तो तीन बटे दो आर बचेगा, तो आपके पास क्या जाएगा वी सी बराबर में तीन बटे दो के क्यू अपॉन में आर। ये किसके होता है सतह पर, देखो वी सी बराबर में तीन बटे दो और ये बी एस, क्या लिख सकता हूँ बी सी बराबर में एक पॉइंट पाँच वी एस, ये आ जाएगा कहाँ ये आ जाएगा भैया केंद्र पर, आ जाएगा केंद्र पर हो आ जाएगा केंद्र पर। तो केंद्र पर जो विभव है वो सतह के विभव का, अचानक गोले के केंद्र पर विभव सतह के विभव का डेढ़ गुना होता है, कितना होता है डेढ़ गुना होता है, ठीक है। तो नीचे देखो अतः अचानक गोले के केंद्र पर विभव, अतः अचानक गोले के केंद्र पर विभव, अतः अचानक गोले के केंद्र पर विभव सतह के विभव का 1.5 गुना होता है। अचानक गोले के केंद्र पर विभव सतह के विभव का, अचानक गोले के केंद्र पर विभव सतह के विभव का 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। नोट करो ये, इसको डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये।